1500 मजा भाई लोग दोन देवा गुर्जर की रावत भाटा में हुई सनसनी के जतिया में शामिल 9 आरोपियों को कोटा पुलिस ने उठा लिया। कुछ दिन पहले 12 से 13 पंटरों ने मिलकर देवा गुर्जर की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। बदमाशों ने सलून में बैठे देवा गुर्जर को सरिये और लाठियों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। इस कांड से बौखलाए हुए गुर्जर समाज ने रोडवेज की बसों में आग लगा दी, जिसके चलते राजस्थान सरकार भी अलर्ट हो गई, पुलिस पर दबाव आया। इधर देवा के परिवार ने 15 लोगों पर शिकायत दर्ज करवाई। कुल मिलाकर देवा के दुश्मनों की जामत आनी थी। देवा की हत्या करने के बाद 13 में से 4 मुख्य बदमाश मध्य प्रदेश कल्टी मार ली। इनकी लोकेशन पुलिस ने ट्रेस कर ली। इसकी भनक इन चारों बदमाशों को लग गई थी। पुलिस को उल्लू बनाते हुए ये चारों बिना नंबर की गाड़ी लेकर मध्य प्रदेश से वापस कोटा लौटे, क्योंकि मध्य प्रदेश में पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी तो वहां रहना मुश्किल था। इधर कनवास और कोटा पुलिस ने कोटा रावतभाटा के जंगलों नदी घीणे गांव कस्बों में सर्च अभियान शुरू कर दिए। तभी कनवास थाना क्षेत्र के पुलिस को मुखबिरी मिलेगी। बाबूलाल थक्कर, सुखराम जाट और बलराम जाट कनवास क्षेत्र में घुस चुके हैं। इधर पुलिस का एक बड़ा काफिला इन पंटरों के पीछे लग गया। एक दिन तक जबरदस्त सर्च अभियान चला। तभी ये तीनों पुलिस की रडार में आए। पुलिस को देख भागने लगे। आगे आगे बदमाश, पीछे पीछे पुलिस। थोड़ी देर तक भागने के बाद बदमाशों को लगा पुलिस अपना पोंगी बजा डाले, उससे पहले सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि गरमाई हुई पुलिस उल्टू फटाक एनकाउंटर के मूड में थी। कुल मिलाकर अगर बदमाश थोड़ी देर लुक्का छुपी खेलते तो इनका राम नाम सत्य फिक्स था। फिर इस केस में 13 में से 9 पुलिस की गिरफ्त में। देखते हैं आगे क्या होता है। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।